बीजेपी इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कोई आंच नहीं आने दे रही, आने दे भी नहीं सकती। सवाल सत्ता का जो है। सिंधिया की वजह से ही बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को हारी हुई सत्ता दोबारा मिली है। इसलिए कोशिश यही है कि कम से कम उपचुनाव तक सिंधिया और उनके समर्थकों को कोई शिकायत ना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें, क्योंकि अभी 4 साल और सरकार चलाने का मौका जो मिलने वाला है। सिंधिया भी जानते ही हैं कि सीटें जिताना जरूरी है, तभी नई पार्टी में उनकी बखत बनी रहेगी। इसलिए चुनाव प्रचार में जोरदार मेहनत भी कर रहे हैं। इसी चुनाव प्रचार के लिए सिंधिया तकरीबन 3 दिन ग्वालियर चंबल की सीटों पर काफी एक्टिव थे। जितने एक्टिव वो थे, उनका विरोध करने वाले कांग्रेसी भी उतने ही सक्रिय थे, जो ग्वालियर में सिंधिया को विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाने पहुंचे थे। इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे NSUI के प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी, जिन्हें अब सिंधिया का विरोध करने की सजा मिल रही है। सिंधिया को काले झंडे दिखाने वाले द्विवेदी पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। खुद कांग्रेस ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि ग्वालियर में श्रीअंत को काले झंडे दिखाने वाले NSUI महासचिव सचिन द्विवेदी को जिला बदर करना प्रशासनिक आतंकवाद है। कलेक्टर महोदय, कल सुबह भी होगी, जोश में होश मत खोइए। जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं वो किसी के भी नहीं हुए।